नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 10 मिनट में हिंदुस्तान में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। शुरू करते हैं खबरों का खास सफर। सबसे बड़ी जन स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की आज पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। झारखंड की राजधानी रांची में होगा कार्यक्रम का आयोजन। रांची के प्रभात तारा मैदान में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के सीएम रघुवर दास समेत सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के 57 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। 5 लाख के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकेंगे। भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात रद्द होने के बाद पाक पीएम इमरान खान की विवादित टिप्पणी। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, बड़े पदों पर बैठे लोगों की सोच छोटी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए वार्ता की ये मेरी पहल थी, जिस पर भारत की ओर से अहंकारी और निराशाजनक जवाब। जम्मू कश्मीर में देश की सीमा पर भारतीय जवानों से हुई बर्बरता पर जनरल बिपिन रावत का बयान, कहा दुश्मन को भी ये दर्द महसूस होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ आगे भी कार्रवाई करेंगे, दुश्मन को जवाब देना जरूरी है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने ही कांग्रेस की बोलती बंद, कहा राफेल डील के बारे में एविएशन कंपनी दासों दे सकती है जवाब, भारत सरकार की ओर से रिलायंस के लिए दबाव के बारे में नहीं जानता। राफेल डील पर राहुल गांधी के आरोप पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा राहुल और पाकिस्तान दोनों एक भाषा बोल रहे हैं, तो क्या मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना रही है कांग्रेस। केंद्र सरकार का राहुल पर जोरदार पलटवार, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, पाकिस्तान और देश के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं राहुल, बार बार झूठ बोलने वालों के लिए नहीं बनती जेपीसी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, राफेल राहुल गांधी को झूठ का सौदागर साबित कर देगा। राफेल के मुद्दे पर राहुल ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम को कहा चोर, पूछा सफाई क्यों नहीं देते पीएम मोदी। राफेल डील पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा, कहा मोदी को पीएम पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, नैतिक आधार पर पद छोड़े। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, राफेल डील पर देश सच जानना चाहता है, पूछा राफेल डील के दावों पर ओलांद और पीएम मोदी में से कौन सच्चा है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, राफेल का सच देश को बताना चाहिए, अगर गलती हुई है तो स्वीकार करें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला, दिल्ली में शिक्षाविदों के साथ बातचीत में राहुल ने कहा, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है आरएसएस। राहुल गांधी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को अपने कब्जे में चाहता है आरएसएस, राहुल ने आरएसएस की सोच से देश को बचाने की अपील की। राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा देश संगठित करने वाले कौन होते हैं मोहन भागवत, देश खुद संगठित होगा, कुछ महीने में भागवत का सपना चूर होगा। ओडिशा को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, ओडिशा के तालचेर में पीएम मोदी ने फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया, सीएम नवीन पटनायक भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 36 महीने बाद फिर तालचेर आऊंगा, फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन भी करूंगा। पीएम मोदी ने कहा, देश की गति को नई ऊंचाइयां देंगे, नीति और नियत साफ हो तो फैसले अच्छे होते हैं। पीएम मोदी ने कहा, ओडिशा में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता, किसानों के साथ धोखा हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के आरोपों को खारिज किया, उन्होंने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए पीएम ने ऐसा बयान दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के बाढ़ वाले श्री गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की, मुख्यमंत्री ने कन्या भोजन में खुद परोसकर बच्चियों को खाना खिलाया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बीजेपी की रैली, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे रैली को संबोधित, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता रैली में होंगे मौजूद। आज सुबह 9 बजे दिल्ली कूच करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जंतर मंतर पर 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी का पहला स्थान प्राप्त करने में मैं बेहद खुश हूं।
लोकसभा चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद फिर से शुरू कर सकता है राम मंदिर आंदोलन। 5 अक्टूबर को 36 संतों की बुलाई बैठक। मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा का हो सकता है ऐलान। राम मंदिर निर्माण को लेकर संत समाज ने खोला मोर्चा। नृत्य गोपाल दास बोले, अगर चुनाव से पहले नहीं हुआ मंदिर निर्माण तो बीजेपी का होगा बंटाधार। कहा, मुसलमानों के चक्कर लगा रहे हैं मोदी। यूपी के बलिया में बीजेपी नेताओं की दबंग गई। विधायक सुरेंद्र सिंह और जिलाध्यक्ष पर अधिकारी से हाथापाई का आरोप। मौके पर मौजूद थे डीएम एसपी समेत कई बड़े अधिकारी। बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में सरधना के हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह को अज्ञात लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लव जिहाद का विरोध करने पर पिटाई। यूपी के चित्रकूट जिला अस्पताल में आशा वर्कर ने नर्स की कर दी पिटाई। 25 अगस्त को एक डिलीवरी के दौरान आशा वर्कर की बहू से बहस का लिया बदला। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं। आगरा के नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार का कहर। गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक के पीछे जा घुसी एम्बुलेंस। ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौके पर मौत। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में लड़की ने की खुदकुशी। परिजनों के मुताबिक छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने दी जान। मुंबई में एक शख्स ने खुदकुशी करने जा रही लड़की की बचाई जान। एक नहीं, 2 बार लड़की ने की बचाई गई जान। 12वीं की छात्रा किसी परेशानी की वजह से खुदकुशी करने जा रही थी। मुंबई के नाला सोपारा में सीरियल रेपिस्ट के खिलाफ जागरूक अभियान। पुलिस लोगों को संदिग्ध की तस्वीरें दिखा रही है। दिल्ली में 60 साल की मां और 40 साल की दिव्यांग बेटी की बेरहमी से हत्या। शुरुआती जांच में पुलिस को परिवार के किसी नजदीकी सदस्य पर शक। फिलहाल कोई सुराग नहीं। पटना में शार्प शूटर तरबेज हत्याकांड के खुलासे का पुलिस ने किया दावा। जमीन विवाद को बताया वजह। साजिश रचने वाला तारिक मलिक गिरफ्तार। बिहार के गया में नाबालिग लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल। छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की पिटाई। रोशनगंज थाने के एसपीओ के बेटे पर पिटाई का आरोप। पटना में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। रेलवे स्टेशन के पास होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। 4 महिला हिरासत में। एक वकील की आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तारी। बिहार के भोजपुर में नाबालिग से गैंगरेप। शमशान घाट में हथियार से लैस 4 लोगों ने मारपीट कर लूटी आबरू। पुलिस ने दर्ज किया युवती का बयान। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के परिवार की सुरक्षा पर उठे सवाल। सब इंस्पेक्टर की बेटी से रेप का मामला आया सामने। बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के आरोप में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 2 छात्र गिरफ्तार। मुहर्रम जुलूस के दौरान बिहार के कटिहार में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन। रोक के बावजूद पिस्टल लहराने का वीडियो आया सामने। यूपी के सहारनपुर में बिना नहाए स्कूल पहुंचने पर टीचर ने की छात्रा की पिटाई। बेहोशी की हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने थाने में दी तहरीर। लखनऊ में बाल संरक्षण की टीम ने की छापेमारी। कोर्ट के आदेश के बाद मनीषा मंदिर के बाल गृह से 14 बच्चियों को साथ ले गई। पिछले छापे में भी मिली थी खामियां। तमिलनाडु के मदुरई में हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। तेज रफ्तार बस की चपेट में आए बाइक सवार 3 लोग। गाजियाबाद पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। सभी बदमाश खोड़ा इलाके से रात के वक्त गुजरते वक्त लूटते थे सामान। गिरफ्तार बदमाशों में एक मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी से डिग्री धारक भी। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज के दामों में भारी कमी। प्याज मंडी में किसानों को 650 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे भाव। हिमाचल के मनाली में सीलिंग की कार्रवाई। 110 होटल और गेस्ट हाउस को सील किया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पूरे उफान पर गिरी नदी। पॉलिटेक्निक के छात्रों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर नदी पार की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फ की सफेद चादरों से ढकी रोहतांग की पहाड़ियां। ताजी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के साथ बर्फबारी। बर्फबारी से लुढ़का पारा। सैलानियों और स्थानीय लोगों ने गर्म कपड़ों और अलाव के सहारे पा रहे ठंड से निजात। चारधाम में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद नैनीताल में भी बदला मौसम का मिजाज। जोरदार बारिश ने तापमान में भारी गिरावट की। यूपी के बदायूं में बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके लोग सड़क पर रहने को मजबूर। शिकायत पर डीएम ने समस्या दूर करने का भरोसा दिया। ओडिशा में चक्रवाती तूफान से भारी बारिश। बालासोर में आसमानी आफत से बाढ़ जैसे हालात। घुटने तक पानी भरने से लोग बेहाल। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें। इंदौर झाबुआ मंदसौर समेत कई जिलों में जलभराव।
मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज गणपति विसर्जन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई में समंदर तट पर सेल्फी लेने पर पुलिस ने लगाई रोक। मुंबई पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान 50,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर पाबंदी, श्रद्धालु पारंपरिक वाद्य यंत्रों से देंगे बप्पा को विदाई।